हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 ब्यूटीफुल से बन हेयर स्टाइल साड़ी पे बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं। अगर कोई वेडिंग है, पार्टी है, कोई फंक्शन है, आप थोड़ा अलग लुक दिखाना चाहते हो तो थोड़ा सा अपने बालों को इस तरीके से स्टाइल कर सकते हो और बहुत ही प्यारा लुक आ जाएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फ्रंट से इस तरीके से हेयर को लेना है। यहाँ पर मैं अपने दोनों डमीज पे आपको हेयर स्टाइल बताऊँगी, ये ब्लैक हेयर वाली है एंड ब्राउन हेयर वाले पे भी बताऊँगी। उसके पास से फ्रंट के हेयर को लेने के बाद से इस तरीके से क्राउन एरिया के हेयर को लेंगे आईब्रो के। आज से मैं थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर रखा है ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और हेयर स्टाइल भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से मैंने लिया है एंड हल्का सा इसको पफ बनाएंगे एंड क्लिप की मदद से यहाँ पे सिक्योर कर देंगे। 2-3 क्लिप्स अच्छे से लगा लेंगे ताकि जो आपका पफ है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। ओके, तो यहाँ पे मेरा पफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी हेयर स्टाइल करेंगे। फ्रंट का जो हेयर है उसको मैंने ओपन कर लिया, अच्छे से कॉम करेंगे। देन इस तरीके से कॉम करने के बाद से कॉम अच्छे से कॉम कर लीजिए, पूरा सुलझा लेंगे और इस तरीके से साइड मांगते ही हेयर को लेके जाएंगे इस तरीके से और फैलाते हुए बैक साइड में जहाँ पे हमने पफ का क्लिप लगाया था वहीं पे इसको भी ले जाके अटैच कर देंगे और इस तरीके से रहेगा ये। काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहो तो इस तरीके से ओपन रख सकते हो और चाहो तो बन बना सकते हो, बट कम्फर्टेबल रखना है। साड़ी पहन रहे हो तो बन ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और बहुत स्टाइलिश भी लगता है, तो आप बन बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने सारे बालों को एक रबर बैंड लगा लिया। पफ थोड़ा नीचे हो गया था तो कॉम की मदद से उसको दोबारा से ऊँचा कर लिया। अब एक लेंगे यहाँ पे डोनट बन, मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ, ये देखिए डोनट बन है, इसको मैंने इस तरीके से लगाया है और थोड़ा थोड़ा हेयर लेके सिंपली इसके ऊपर रखते जाएंगे डोनट बन के और यू पिन की मदद से इसको सिक्योर करते जाएंगे। फिर उसी हेयर को दूसरी साइड लेके आएंगे और अगेन यू पिन लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा लेयर लीजिए और जैसे आपको मन करे वैसे इधर उधर घुमाते हुए सारे लेयर्स को यू पिन की मदद से सिक्योर कर दीजिए। काफ़ी प्यारा सा और सुंदर सा बन बन के रेडी हो जाएगा। या ब्राइडल पे भी ट्राई कर सकते हो, गाउन पहन रहे हो, कोई भी मतलब कुछ एथनिक पहन रहे हो, मतलब इंडियन ड्रेस पहन रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके। तो इस तरीके से घुमाते हुए सारे हेयर स्टाइल को कंप्लीट करेंगे, फाइनल लुक भी एंड में दिखाऊंगी। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 3 बहुत ही स्टाइलिश एंड खूबसूरत सा हेयर स्टाइल यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आपको। तो जैसे मैं कर रही हूँ एग्जैक्ट आपको भी वैसे ही करना है। और यू पिन के यहाँ पे 2-3 पैकेट लग सकते हैं, 10 रुपये में शायद एक पैकेट मिलता है, तो आप 3-4 पैकेट ले लीजिएगा। तो अगर ज़्यादा यू पिन नहीं लगाना है तो ऊपर के हेयर को ऐसे बनाया, नीचे के हेयर को रबर बैंड लगा के इस तरीके से सिक्योर कर लेंगे और जो साइड का हेयर है ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके सिंपली आपस में ट्विस्ट करेंगे और इस तरीके से यू पिन की मदद से इसको सिक्योर कर देंगे दोनों साइड से। और बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा आपका बन बन के रेडी हो जाएगा। साड़ी, गाउन, लहंगा, वो जो भी इंडियन ड्रेस पहन रहे हो सब पे जाएगा, सब पे बहुत प्यारा लगेगा। यहाँ पे थोड़ा हेयर हमारा अनकंफर्टेबल हो रहा था तो यहाँ पे मैंने इसको जो क्लिप की मदद से अच्छे से सिक्योर कर दिया है। पफ को अगेन दोबारा से सेट कर लेंगे। आप चाहो तो सेटिंग स्प्रे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मेरा डमी का ये निकल गया था, तो देखिए कुछ इस तरीके का लुक आया है। फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ मैं। तो ये है बन का फाइनल लुक। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ये फर्स्ट हेयर स्टाइल? तीनों हेयर स्टाइल देख लीजिए, उसके बाद से डिसाइड कीजिएगा कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल यहाँ पे ऑलमोस्ट डन है। देखिए बैक से कुछ इस तरीके का दिखेगा, काफ़ी अच्छा है और लग रहा है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको बना लोगे। एक साइड से मैंने इस तरीके से फ्लैट लुक रखा है और दूसरी साइड से आपने देखा साइड मांग से मैंने बनाया था। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल। तो चलते हैं फ्रेंड सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकंड हेयर स्टाइल में ब्राउन हेयर वाली डमी पे कर रही हूँ। तो आपको सेकंड हेयर स्टाइल में क्या करना है, अच्छे से बालों को कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद आपको इस तरीके की 2 क्लिप चाहिए और इसको साइड से आपको इस तरीके से हेयर लेना है, ध्यान से देख लीजिए। और क्राउन एरिया तक आपको इस तरीके से सीधी मांग निकालनी है और इनको फ्लैट करके हेयर को इस तरीके से क्लिप लगा देंगे ताकि ये हेयर स्टाइल जब हम बीच का हेयर बनाएं तो डिस्टर्ब ना करें। दूसरी साइड से भी सेम करना है और कॉम करके आपको यहाँ पे क्लिप लगा देनी है। तो अच्छे से मांग निकाल ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लिप लगा देंगे। ओके, अब आपको सेंटर का हेयर लेना है और सेंटर के हेयर में जैसे हम लोग फ्रेंच चोटी बनाते हैं, फ्रेंच ब्रेड, उसी तरीके से आपको
बनाना है। इस तरीके से करने के बाद से चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रंट से आपको इस तरीके से हेयर लेना है, अच्छे से कॉम करके सुलझा लेंगे। थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरीके से कॉम करते जाएंगे और साइड का हेयर लेके इसमें मिक्स करते जाएंगे। फ्रेंच ब्रेड तो आती ही होगी आपको, मैंने बहुत पहले बताया भी था जब चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम, शायद तो अपने बालों पे बताया था उस टाइम पे। आपको सेल्फ हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर इस तरीके से क्रिएटिव हेयर स्टाइल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेल्फ में थोड़ा क्रिएटिविटी करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस तरीके से बनाते जाएंगे फ्रेंच ब्रेड अपने क्राउन एरिया तक या फिर थोड़ा सा उससे नीचे तक। दोनों साइड से इस तरीके से ले रही हूँ हेयर को और बनाते जाएंगे। इतना करने के बाद से फ्रेंच हेयर स्टाइल बनाने के बाद से आपको क्या करना है, चोटी बना देनी है बचे हुए बालों में और चोटी बना के उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद से आप चाहो तो एक रबड़ बैंड लगा दो, बट मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। अब आपको क्या करना है, साइड साइड के दोनों साइड के हेयर को इस तरीके से लेना है। देखिए इस तरीके से ध्यान से, ओके, इस तरीके से मैंने हेयर को ले लिया है। दोनों साइड से लेने के बाद से रबड़ बैंड लगा के ट्विस्ट कर देंगे नीचे की तरफ। ट्विस्टिंग करने के बाद से पूरे बालों को एक साथ लेके और इस तरीके से रबड़ बैंड लगा देंगे। रबड़ बैंड लगाने के बाद से इस तरीके से जितने भी हेयर बचे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा पार्ट्स लेके उसमें रबड़ बैंड लगाते जाएंगे। इसमें आपको थोड़े रबड़ बैंड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, पतला वाला रबड़ बैंड जो होता है वो आप ले लीजिएगा। और एक जो लेयर ली है उसमें दो दो रबड़ बैंड लगानी है कुछ इस तरीके से, ओके, फाइव या सिक्स लेयर्स इस तरीके से बनानी है आपको। बनाने के बाद से आपको क्या करना है, पहले अच्छे से रबड़ बैंड लगा देंगे, एक लेयर में दो दो रबड़ बैंड लगानी है। तो यहाँ पे रबड़ बैंड लगाने के बाद से हेयर को क्या करना है, सिंपली इसके अंदर से इस तरीके से ट्विस्ट करना है। देखिए इतने सारे लेयर्स यहाँ पे बन गए हैं, इस तरीके से रबड़ बैंड को लगाना है। और ये आपने देखा फाइव लेयर्स मैंने बनाए हैं, उनमें डबल डबल रबड़ बैंड लगाए हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको लगाने के बाद से अच्छे से देख लिया आपने कितने लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, सब कुछ पता चल गया। अब आपको इस तरीके से हेयर को ट्विस्ट करना है वन लेयर में और इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा खींचेंगे। आई होप कि क्लियर दिख रहा हूँ, सारे लेयर्स में इसी तरीके से खींच लेंगे और मैसी सा लुक बनाएंगे। बहुत प्यारा बन बनने वाला है गाइस, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सारे लेयर्स में इसी तरीके से ट्विस्ट करते जाएंगे और खींचते जाएंगे, ओके। तो इसी तरीके से सारा बना ले रही हूँ मैं, और बंद कैसे बनाना है वो भी बता दी। तो इस तरीके से बना देंगे पूरे बालों में। अब आपने देखा यहाँ पे पूरे बालों में मैंने इस तरीके से बना लिया है, ट्विस्टिंग करके एंड इस तरीके से खींच लिया बालों को, ये देखिए, ओके। अभी आपको क्या करना है, इस तरीके से करने के बाद से सारे लेयर्स को, एक एक लेयर्स को इस तरीके से उठाएंगे और यूपिन्स रख लीजिएगा। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा यूपिन्स की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, एंड हेयर डेकोरेट करने के लिए भी यूपिन्स ले लीजिएगा। इस तरीके से लेते जाएंगे और रबर बैंड के आसपास यूपिन से इसको सेट करते जाएंगे। इसको आप पार्टी में, शादी में, वेडिंग में साड़ी पहन रहे हो, फंक्शन है, कुछ न्यू लुक चाहते हो तो वो ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा, ओके। जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसे लगे कि अच्छा लुक दे रहा है वैसे ही आप सेट कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है आपको, जहाँ से आपको लगे कि हाँ इस यहाँ पे ये जच रहा है वहाँ पे आप इसको चोटी को रख के और पिन से सेट कर दीजिए। नीचे ऊपर दाएं बाएं सब जगह कहीं भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं यू पिन की मदद से सारे हेयर को सेट करूँगी, ओके। देख सकते हो कितना प्यारा सा लुक आ गया। इसको अगर मतलब देखा ना जाए कि कैसे बनाया है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा, बहुत आपने देख लिया है बहुत इजी है। तो आप इसको ब्राइडल पे, गाउन ड्रेस के साथ, साड़ी के साथ, कोई भी वेडिंग पार्टी है, फंक्शन है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दोगे तो और भी प्यारा लगेगा ही। तो डेकोरेट करने के लिए आप इस तरीके की पिंस ले सकते हो, हेयर डेकोरेटिंग पिंस आती हैं। तो यहाँ पर एक पिन और लगा दे रही हूँ,
ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेयर को आप फ्रंट से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खींचेंगे तो जो जो फ्लैट लुक है वो हट जाए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आप इसको डेकोरेट नहीं भी करोगे तो भी ये बहुत प्यारा और स्टाइलिश दिखेगा, बट डेकोरेट कर लीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने डेकोरेटिंग के लिए इस तरीके की यूपिन्स मंगाई थी इसको फ्लिपकार्ट से, आप भी हेयर डेकोरेटिंग यूपिन्स सर्च करोगे तो आ जाएगी। वैसे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप इस तरीके की पिंस मंगा सकते हो, ऐड प्रोडक्ट मेरे वीडियोज़ में दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए आपको मिल जाएगा और आप इस तरीके से मंगा सकते हो और अपने हेयर स्टाइल को काफ़ी सुंदर और चार चांद लगा सकते हो। तो ये है फाइनल लुक हेयर स्टाइल का, आई होप कि पसंद आया हो। तो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये हेयर स्टाइल का फाइनल लुक है, तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। सब्सक्राइब कर लिया ना, नहीं किया तो जल्दी कर लो यार, क्यों लेट करते हो आप। सब्सक्राइब करो और भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव हेयर स्टाइल्स की वीडियोज़ देखने के लिए ये वाला चैनल, और मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियोज़ देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पे जरूर जाएगा। सेकंड चैनल का नाम प्रीत तिवारी 2 है, वहाँ पे स्किन केयर, मेकअप ट्यूटोरियल्स, ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ गो टू माई सेकेंड चैनल और इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। छोटे बालों का हेयर स्टाइल आप ज़्यादा देखना पसंद करते हो तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटे बालों का कुछ करूँ एंड छोटे बालों पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेयर स्टाइल दिखाऊँ। तो ये है फाइनल लुक सेकेंड हेयर स्टाइल का, साड़ी पे, गाउन पे, जिस पे आप चाहो, इंडियन ड्रेस के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा, ट्राई ज़रूर करना। और है ना ईजी भी, देखने में जितना मुश्किल लग रहा उतना है नहीं है। तो चलिए थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं एंड बताते हैं थर्ड हेयर स्टाइल कैसे करना है और कैसा लुक आता है थर्ड हेयर स्टाइल का। तो थर्ड हेयर स्टाइल में आपको इस तरीके से साइड से हेयर लेना है और क्लिप से उसको सिक्योर कर देना है दोनों साइड से, एंड बैक से आपको अच्छे से कॉम करना है बालों में, कॉम करके एक रबड़ बैंड से अच्छे से हेयर को सेट कर लेना है, रबड़ बैंड को लगा देना है बालों में। ओके, उसके बाद से आपको लेना है यहाँ पे एक डोनट बन, तो यहाँ पे मैं एक डोनट बन ले ले रही हूँ इस तरीके से, और ऊपर की तरफ भी इसको यूपिन से यहाँ पे सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करने के बाद से बालों को अच्छे से कॉम करेंगे, कॉम करने के बाद से आपको बालों में एक और थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे रबड़ बैंड लगा देंगे और हल्का सा इस तरीके से फैलाएंगे, सारे हेयर को इसके अंदर इस तरीके से रखेंगे, डोनट बन के ऊपर इस तरीके से फैलाते हुए यूपिन की मदद से इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। ओके, नीचे से भी बालों को इस तरीके से पकड़ के सेट कर लेंगे। अब बारी आती है साइड से हेयर स्टाइल, बालों हेयर स्टाइल में क्रिएटिविटी दिखाने की, तो ये बिल्कुल न्यू है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े लेयर्स लेने हैं बालों को, सिंपली टू पार्ट्स में डिवाइड करके क्रॉस करके एक दूसरे के दूसरी साइड में इसको इस तरीके से रख देना है। ध्यान से देखिए, इस तरीके से दो पार्ट में लेना है और इस तरीके से रखते जाना है। आप चाहो तो इनको अच्छे से बनाने के लिए इस तरीके की क्लिप्स ले सकते हो जिससे कि आपका हेयर स्टाइल ख़राब ना हो। फिर से लेयर लेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इस तरीके से रख देंगे। ओके, सारे लेयर्स को इसी तरीके से लेते जाएंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे और ऐसे रखते जाएंगे। बहुत प्यारा बनने वाला है और इजी भी है, और कोई देखेगा तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से बना होगा ये हेयर स्टाइल, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी वीडियोज़ देखते जाओ, इसी तरीके की हेयर स्टाइल सीखते जाओ गाइस। तो चलिए इस तरीके से लास्ट लेयर मैंने लिया और बना दिया। अब एक साइड का क्लिप निकाल दिया है, अच्छे से कॉम कर लिया है और सिंपली ट्विस्ट कर देंगे। ओके, ट्विस्ट करने के बाद से इसको बैक तक लेके जाएंगे और जुड़े में ही इस तरीके से यूपिन से सिक्योर कर देंगे। दूसरी साइड का भी लेयर लेंगे, सारे क्लिप्स को निकाल के सारे लेयर्स को एक साथ लेंगे और ट्विस्ट करके नीचे की तरफ लेके आएंगे। काफ़ी प्यारा लगने वाला है एंड पूरा फाइनल लुक जरूर देखिएगा। अब इस तरीके से कर लिया है, दोनों लेयर्स को बन के पास ले जाके सिक्योर कर दिया है। ओके, अब एक जो लेयर है उसको अच्छे से कॉम करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करके नीचे की तरफ से लेके जाएंगे, हल्का सा लूज करके यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। ओके, अब दूसरी साइड भी सेम उसी तरीके से बनाना है जैसे आपने पहली साइड में बनाया था। अब जो ये हेयर बचा हुआ है इसका क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से चोटी बनाएंगे सिंपल सी और एक साइड से ऐसे खींचते जाएंगे। ओके, खींचते जाएंगे, इनको आपस में ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे लाके सेट कर देंगे और ये एक फ्लावर सा बन जाएगा और आपके हेयर स्टाइल को काफ़ी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव बनाएगा ये फ्लावर।
अब आप इसको डेकोरेट करने के लिए अगेन वो फ्लावर यूज़ कर सकते हो, यूपिन यूज कर सकते हो जो मैंने सेकंड वाले हेयर स्टाइल में दिखाया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना स्टाइलिश लग रहा है और काफ़ी यूनिक एंड डिफरेंट दिख रहा है ये हेयर स्टाइल। तो इस तरीके का फ्लावर मैंने बीच में अटैच किया है, देन वो रोज फ्लावर जो था उसको यहाँ पे जो ये वाला फ्लावर है उसके बीच में एक ऐड करेंगे। वाइट कलर का जो यू पिंस है स्टोन्स वाले उसको इस तरीके से लगाया है। तो ये है बन का फाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आया हो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खुद से थोड़ा सा अगर खुद से बनाना चाहो तो एक दो बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा, बट दूसरों पे तो आप इजीली बना सकते हो। दो फ्लावर यू पिन लेके मैंने ऊपर की तरफ भी लगा दिए हैं और ये है बन का फाइनल लुक। तो ये वाला काफ़ी खूबसूरत लगने वाला गाउन ड्रेस के साथ। तो यहाँ पे जो हेयर इस तरीके से है उसको थोड़ा खींच के यहाँ पे लेके एक बॉबी क्लिप से यहाँ पे सिक्योर कर देंगे ताकि जो हेयर स्टाइल का लुक है वो और भी ज़्यादा और स्टाइल अच्छा और स्टाइलिश दिखे। तो कैसी लगी आप लोग को वीडियो? आई होप कि पसंद आई। और तीनों हेयर स्टाइल में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया? मुझे तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को